हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज फाइनली वो डे आ गया है जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। मतलब मैं तो इंतज़ार करती ही हूँ, वो है ग्रॉसरी। एक्चुअली 2-3 महीने से मेरा ग्रॉसरी नहीं हुआ है। वो मैं ना पहले नियम से ग्रॉसरी करती थी, यानी कि हर महीने की 10 तारीख तक मैं ले आती थी सामान। बट इस बार थोड़ा सा टाइम हो गया है, इनफैक्ट आज 31st है, तो आई एम प्लानिंग कि यार मैं सामान ले आती हूँ। फिर अप्रैल में ना मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाऊँगी, आप ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और कल की जो वीडियो गई है ना, उसमें मुझे बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आए थे कि सानू किसी का रिज़ल्ट बताऊं। एक्चुअली मैं कल की वीडियो में भी बता रही थी कि इस बार एज सच कोई रिज़ल्ट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रैंक वाला कुछ नहीं हुआ है। इस बार सभी बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में आ गए हैं और खुशी का तो अभी तक ग्रेड सिस्टम चलता है, सानवी का मार्क्स सिस्टम है। तो आज 31st को उनके टीचर लोग हम लोगों को इंटीमेट करेंगे टाइम, उसके बाद फिर हम लोग, अभी तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट कार्ड, वो भी ऑनलाइन ही आती है। सानवी खुशी के स्कूल का एक ऐप है, उस ऐप पर वो लोग अपडेट करेंगे रिजल्ट्स, तो फिर आज हमको देखने मिलेगा। अभी तक मुझे खुद भी नहीं पता है रिजल्ट्स के बारे में। और मैं प्लान कर रही हूँ कि दोपहर में जाएंगे हम लोग ग्रॉसरी लेने। इसके दो वजह हैं। पहला तो ये कि दोपहर में जाएंगे तो ना थोड़ा सा भीड़ कम रहता है, हम लोग डी मार्ट जाने वाले हैं ग्रॉसरी के लिए, तो थोड़ा सा ना भीड़ कम रहता है, वो एक अच्छी बात है। दूसरा, हम लोग शानू खुशी के क्लासेस से पहले आ जाएंगे तो वो भी एक अच्छी बात है। फिर वो लोग अपनी, उनकी शाम को कराटे क्लास है तो दे विल बी एबल टू ज्वाइन कराटे क्लासेस। एंड मैं मोटा मोटी सिर्फ ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ। और डी मार्ट के बारे में मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, मैं है ना कभी कभी बिग बाज़ार, कभी कभी स्पेंसर्स वगैरह से भी सामान लाती हूँ। पहले एक सिटी नाम का भी होता था सुपर स्टोर जैसा, वहाँ से भी सामान लाती थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बट देन अभी आई डोंट नो कि पैन इंडिया हाइपर सिटी ब्रांचेस बंद है या वडोदरा में सिर्फ बंद हो गए हैं, बट हाइपर सिटी अभी यहाँ पे बंद हो गया है। तो मैं आई प्रेफर टू गो टू डी मार्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, एक तो थोड़ा सा ना वो सस्ता है इन कंपैरिजन टू बिग बाज़ार या तो फिर आपका स्पेंसर्स, आपका जो डी मार्ट है ना वो सस्ता है। दूसरा, यहाँ पे जो इन्वेंट्री होती है ना वो रिलेटिवली फ्रेश भी होती है, तो इसीलिए आई प्रेफर टू गो टू डी मार्ट, जो घर का जो बेसिक ग्रॉसरी सामान होता है उसके लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंसी और उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए देन यू कैन गो टू लाइक होम सेंटर, इस तरह की जगह पे आप जा सकते हो। बट दाल चावल तेल ये सब के लिए मुझे लगता है कि सबसे सही प्राइस एंड ऑल्सो द फ्रेश स्टॉक आपको डी मार्ट में ही मिलता है। डी मार्ट के बारे में आपको एक शॉपिंग टिप देना चाहती हूँ, आप महीने के शुरुआत के 10 दिनों में जाएंगे ना तो आपको सामान महंगा मिलता है, महंगा एज इन प्राइस वाइज नहीं, वहाँ पे कम ऑफर्स होते हैं तो डिस्काउंट कम रहता है। और महीने के लास्ट के 5-10 डेज में आप जाते हो ना, बहुत ऑफर रनिंग होते हैं बिकॉज वो लोग क्लियरेंस पे लगा देते हैं बहुत सारी सेल, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको व्हेन यू गो लाइक महीने के लास्ट में आप जाओगे ना तो डी मार्ट में आपको मोर ऑफ सेल्स एंड हायर ऑफ डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो मैं पहले हमेशा शुरुआत के 10 दिनों में ले आती थी सामान, तो अभी कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो आई ऑब्जर्व दिस थिंग, आप भी कभी नोटिस करना। और अभी मैं फटाफट से अपना मॉर्निंग स्किन केयर कर लेती हूँ। यह है वाव स्किन साइंस का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। दिस विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश कम्स विद दिस बिल्ट इन सिलिकॉन ब्रश, इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग योर फेस एंड रिमूव डेड स्किन एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर स्किन एंड मेक योर स्किन ब्राइटन एंड ग्लोई। ऑल्सो ये आपके स्किन से ना डलनेस भी निकाल देता है बिकॉज इट हैज़ विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड लेमन एंड ऑरेंज essential oils which helps in reducing dullness and then you feel quite fresh whole day. And once I'm done with face washing, मैं अपना चेहरा gently पोंछ लूँगी और इसके बाद I'm going to use Wow Skin Science का ये toner. It provides hydration to your face as well as nourish the skin and improve skin texture. Also, it removes tiredness and dullness from your face and provide brightened complexion and tightens your pores too. आपको आपके चेहरे पर ये toner spray करना है, it comes with this spray. Once you are done with toning your skin, इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं आप vitamin C serum. This serum helps in reviving your dull complexion and add radiance to your skin, and this has vitamin C and witch hazel and hyaluronic acid which helps to fade pigmentation. Also, the serum helps in repair skin damage and boost collagen and improves elasticity of the skin. Wow ek Indian skincare brand hai aur isme kisi bhi tarah ke harmful chemicals like parabens, SLS wagera ka istemal nahi kiya gaya hai. It is a natural skincare brand
और वाव का ये जो विटामिन सी रेंज है, इट हैज़ 98.5% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन इट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन प्रोडक्ट्स में तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिंक्स रखे हैं मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक दम आउट। ये बॉल घर ले जाके खेलना है या नहीं खेलना है? हाँ जी मम्मा। और हम लोग बस थोड़ी देर पहले ग्रॉसरी लेकर आए हैं। एक्चुअली काफ़ी शाम हो गई है, हम लोगों को लंच नहीं किया था तो लंच भी बाहर ही करके आए हम लोग, और सानवी खुशी के क्लास का टाइम हो गया था आते आते, तो घर आते फटाफट से सब लोग फ्रेश हुए। सानवी खुशी ने अपना ड्रेस पहना कराटे का और वो दोनों चली गई हैं कराटे के लिए। अब ये सब सामान यहाँ पर है, ये हम लोग साफ़ करेंगे मैं और शर्मा जी, और इसको लगाएँगे। एंड ऑल्सो थकान सी लग रही है तो हम लोग चाय पियेंगे, मैं चाय बनाऊंगी आफ्टर आई एम डन विद दिस थिंग। और ये नॉर्मल वही ग्रॉसरी है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ, कुछ नया नहीं है इसमें, वही दाल चावल मसाले किचन का सामान, और एक थोड़ा सा डिफरेंट दो चार चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक तो सबसे पहले ये है, ये न्यूट्रेला के तीनों ही फॉर्म में जो मिलता है ना सोया, तीनों ही लाई हूँ मैं। दीज आर ग्रैन्यूल्स एंड देन इसके बाद जो बड़े वाले चंक्स होते हैं ना वो, एंड देन ये ग्रीन वाला पैकेट, ये मिनी चंक्स होते हैं, ये पुलाव वगैरह में अच्छा लगता है, आलू के साथ भी इसका रेसिपी अच्छा लगता है, मिक्स करके बनाने के लिए अच्छा होता है। बाकी ये सब्ज़ी के लिए या फिर आपका जो चाइनीज़ स्टाइल सोया फ्राई करते हैं ना, ये उसमें बहुत अच्छा लगता है। एंड देन करी वरी भी इसका अच्छा बनता है। और ये जो होता है ना ग्रैन्यूल्स, जैसा कि इसके ऊपर ये टिक्की वगैरह दिख ही रहे हैं, उस तरह से कबाब्स टिक्कीज आप इसका बना सकते हो। ऑल्सो इसका कीमा बहुत अच्छा बनता है, वो सारी चीज़ें जिसमें नॉनवेज का कीमा इस्तेमाल होता है आप उसको वेज फॉर्म में बना सकते हो ये इस्तेमाल करके। तो ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, अच्छी भी है। हाँ मैं सोया थोड़ा कम खाती हूँ बट ये तीनों के लिए तो अच्छा है। मुझे थायराइड है ना, तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो आपका थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग को अब्रप्ट करते हैं वो कम खाना चाहिए, तो लिमिटेड मात्रा में खाएँ तो चलता है। मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ इसलिए, बट सिंस दीज थिंग्स आर वेरी हेल्दी, आप भी आपके घर में डाइट में ये इंक्लूड कीजिए। और सॉल्ट मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी ये वाला इस्तेमाल करती हूँ प्योरो का, और कभी कभी टाटा का, बिल्कुल ऐसा ही ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, तो टाटा का भी पैकेट आता है वो पिंक कलर का होता है, तो कभी कभी वो भी इस्तेमाल करती हूँ। इस बार डीमार्ट में ये वाला ही था, वो नहीं था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और ये एक चीज़ है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे ऐसी चीज़ें ना थोड़ा अच्छा लगती है, मुझे पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी, बट ये है ना बेसिकली शुगर बॉक्स होते हैं, आप इसमें, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ,
तो ये सब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसमें एज आई टोल्ड यू दीज आर बेसिकली शुगर बॉक्सेस, बट आप इसमें बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो, स्पेशली चाय के साथ जब जो स्नैक वगैरह सर्व करते हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं, टेबल पे भी आप इसको रख सकते हो। इसमें आपका अचार, मुखवास और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे मैंने दो लाया है अभी, तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट आई सर्टनली विल डू समथिंग विद दिस। ये देखने में अच्छा लग रहा था एंड प्राइस भी बहुत ही कम है इसका, इसके ऊपर 69 लिखा हुआ है एंड आई एम श्योर 69 का ही होगा बिकॉज दिस इज डी मार्ट प्राइस ना। और इसके बाद एक मैंने लाया है, ये ट्रे है और ये कछुआ है, क्रिस्टल कछुआ, एंड देन दिस इज प्लेट है ये, इस बेसिकली इसको फ्रूट प्लेट बोलते हैं, ग्लास प्लेट है बट प्लेट के ऊपर कछुआ रख सकते हैं, उस तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं ये लेकर आई हूँ। मेरे पास ऑलरेडी घर में है एक कछुआ एंड द प्लेट, बट ये शर्मा जी के वर्क प्लेस के लिए लाया है मैंने, तो ये उसे ले जाएंगे अपने, तो वो इसको ले जाएंगे अपने साथ। ये कछुआ है जस्ट ₹59 और ये प्लेट है ₹49। आप देखना चाहोगे, दिखा देती हूँ एक बार। तो ये ऐसे है, ये प्लेट इतना बड़ा सा है और कछुआ भी इतना बड़ा सा है, ये है 59, ये है 49 और ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये शर्मा जी के वर्क प्लेस के लिए है। इसके बाद एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये बॉक्स, ये बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि हैंडमेड है और ये दिवाली के आसपास इस तरह के बॉक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, अदरवाइज गिफ्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा समथिंग हो सकता है। इट्स सो प्रिटी सी, एज आई टोल्ड यू ये बेसिकली ड्राई फ्रूट कंटेनर्स होते हैं और गिफ्ट बॉक्स की तरह ये अच्छे काम करते हैं, बट मैं इसको एज ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करूँगी। आई वुड यू नो कीप माई यू नो ज्वेलरी समथिंग लाइक इन टू दिस। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे इसका यूज़ उस वक्त नहीं पता मैंने क्या करना है इसके साथ, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसके लिए मैंने ऐसा दो खरीदा और इसका प्राइस है जस्ट ₹199 ईच। एक ये भी है, दिस इज़ नाइफ होता है ये, जो पार्सल वगैरह काटने के काम आता है ना, जो बॉक्सेस होते हैं अमेज़ॉन वगैरह के बॉक्सेस जो बहुत ज़्यादा टेप वगैरह से चिपके होते हैं, तो ये कटर उसके काम आता है। यस, बस इतना ही है। और आटा मैं इस्तेमाल करती हूँ आशीर्वाद सेलेक्ट मल्टीग्रेन समटाइम्स और समटाइम्स सेलेक्ट, ओके। और चीनी मैं इस्तेमाल करती हूँ मधुर शुगर, वो हैंड टच नहीं होता है, इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ दिस वन, बट वो कभी कभी थोड़ा सा मुझे टेस्ट और स्वीटनेस कम का लगता है, तो मैं कभी कभी लोकल नहीं मतलब इन हाउस जो होता है डी मार्ट का पैकेट वो ले आती हूँ, बट आज मैंने लाया है मधुर शुगर ही। राइस में इस्तेमाल करती हूँ इंडिया गेट, बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, इंडिया गेट का ब्लू वाला पैकेट आता है वो वाला राइस में इस्तेमाल करती हूँ, एंड डिटर्जेंट आई यूज़ एरियल। एक ये है पोर्टेबल फ़ैन, ये भी डी मार्ट का इन हाउस ब्रांड है, ये पोर्टेबल फ़ैन लाया है। एंड दो ये वाले मैंने कप लाया है, पहले भी मैंने डी मार्ट से ही लाया था, ब्लू कलर के थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बट अभी क्या है यू नो रेगुलर यूज़ के साथ ये शाइन जो है वो चली जाती है, थोड़ा सा कलर भी डल हो जाता है, तो दोनों मुझे थोड़े से कम प्रिटी लग रहे थे, तो मैंने ये और लाया। मुझे थोड़ा सा ना मग्स ख़रीदने का शौक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कलेक्ट करने का शौक है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे मग ख़रीदना ही ख़रीदना है, नो मैटर उसका क्या प्राइस हो, जस्ट आई हैव टू कलेक्ट देम, ऐसा नहीं है। बट अगर मुझे लगता है इतना सभी की ज़रूरत है मग्स ख़रीदने की, तो मैं तुरंत ख़रीद लेती हूँ, ऐसा है मेरा। तो मैंने सेम लाया है क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, एंड द सेम रेड कलर, और कलर वहाँ थे नहीं, एक तो ऑलिव कलर था और एक ग्रे कलर था, ऐसे बोलने में अच्छे लग रहे हैं बट वो देखने में सामने उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। और सानवी खुशी कराटे क्लास से वापस आती है ना, तो दे क्रेव फॉर समथिंग ठंडा, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ आज लेमनेड, जिसे लिंबू सोडा भी कहते हैं। मैंने ब्लेंडिंग जार में डाला है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक, और चार लोगों के लिए बना रही हूँ, तो चार चम्मच चीनी, थोड़ा सा बर्फ़, बिल्कुल थोड़ा पानी, और ये सारी चीज़ों को ना अभी एक बार अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप चीनी का सिरप भी ले सकते हो, चीनी को पहले घोल कर भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह कभी कभी घुलती नहीं है। अब ये जो कॉन्कॉक्शन तैयार हुआ है, इसमें दो नींबू का रस मैं डाल दूंगी। मैं चार नॉट सो लार्ज ग्लासेस बना रही हूँ, इसलिए ये मेजरमेंट लिया है। आप क्वांटिटीज़ थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कीजिएगा, आप जितना नींबू पानी बना रहे हो, मतलब नींबू सोडा कहते हैं इसको यहाँ पे, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है।
एंड डाइजेशन वगैरह के लिए भी अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद भी इसको पीते हैं यहाँ पर लोग, पसंद किया जाता है। अच्छी तरह से नींबू डालने के बाद मैंने एक बार फिर से इसको ब्लिट्स कर दिया है एंड देन इसको छान लीजिए, सो दैट जो चाट मसाला के तिनके हैं और आपका मिंट है, नींबू है, उसका जो भी रेसिड्यू है ना, वो सारा का सारा स्ट्रेन आउट हो जाएगा। और इसके बाद डाल दीजिए इसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब्स, और फिर इसको आप यूँ तो पानी से भी भर सकते हो, वो नींबू शरबत तैयार हो जाएगा। बट हम नींबू सोडा बना रहे हैं तो मैं इसको है ना सोडा से भरूंगी, और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्लब सोडा। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी होता है। बस आपके जो ग्लासेस हैं उसको सोडा से भर दीजिए। एज आई सेड, आप सोडा की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहे तो चीनी मत डालिएगा। फिर यहाँ पे आप स्प्राइट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्राइट बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो सोडा और शुगर दोनों का ही काम करेगी। ये हो गया आपका नींबू सोडा तैयार, ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और आज पता है क्या हुआ, मैंने बाहर जाने के लिए हाई पोनीटेल किया था, 2 रबर बैंड डाल के पोनीटेल किया था, तो अभी मेरे बाल दर्द हो रहे हैं। मतलब बाल तो क्या ही दर्द होंगे ना, बाल तो डेड सेल्स होते हैं ना, मतलब मेरा जो ये स्कैल्प है ना, ये दर्द हो रहा है। तो मैं अभी बाल खोल कर लेटी हुई थी, बट अभी मुझे किचन में आना है तो मैंने इसलिए बाल वापस से बांध लिए हैं। और कल मैंने वो जो रेसिपी बनाया था ना, बॉम्बे चटनी, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि ये पिछला है। मैंने कल की वीडियो में ही ये क्लियर भी किया था कि सेम रेसिपी बहुत जगह पे बनती है, उसे बेसन की सब्ज़ी भी कहते हैं, बेसन करी भी कहते हैं, और महाराष्ट्र में पिठला भी बोलते हैं, एंड साउथ साइड में उसको बॉम्बे चटनी बोलते हैं। बट आई थिंक पिठला में लहसुन भी डलता है, तो ये जो मैंने बनाया था, दिस वॉज एसेंशली बॉम्बे चटनी। बाकी मोरलेस सेम ही चीज़ बहुत जगह बनती है, आप उसको क्या कह के पुकारते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। और मेरे पास है ना, आज मैं बाय द वे बनाने वाली हूँ इडली, क्योंकि हम लोग बाहर से खाना खा के आए थे, बहुत कम मन है, पर मैं थोड़ा तो बनाऊँगी ही, बच्चे लोग खा के सोएंगे तो अच्छा सो पाएंगे। तो मैं है ना मसाला इडली बनाने वाली हूँ, और पिछली बार से मैं इधर देख रही हूँ, क्योंकि मैं है ना आज ग्रॉसरी किया है ना, तो मैं मेरा उड़द का दाल एंड चना का दाल दोनों लेकर आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मुझे, मैं पिछले बहुत टाइम से साउथ इंडियन डिशेस कर रही थी ना, तो उसमें मेरे पास चना दाल एब्सेंट था, तो आई यूज़ टू यूज़ दिस रोस्टेड चना दाल, जिसे हम लोग दालिया भी बोलते हैं गुजराती में, वो यूज़ करती थी। और फिर कल परसों मैंने वो दही गुजिया बनाया था ना, तो मेरा उड़द दाल भी ख़त्म हो गया था, तो लकीली आज मेरे पास दोनों है। आज मैं अच्छा सा टेम्परिंग करके मसाला इडली बनाऊँगी। अब मसाला इडली भी दो तरह के होते हैं, तो फिर बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मसाला इडली इसे नहीं कहते। एक होता है इडली को, मतलब इडली के लिए रवा को तवा पे अच्छे से, मतलब पैन में अच्छी तरह से टोस्ट कर लीजिए विद सम स्पाइसेस और वेजिटेबल्स, एंड देन उसका इडली कर लें, तो उसे भी मसाला इडली कहते हैं। और यू मेक प्लेन इडलीज एंड देन उसको इडली बना लेने के बाद कढ़ाई में फिर थोड़े मसाले डालकर उसको जब टॉस करते हैं ना, जैसे अपना ढोकला होता है ना, उसको जब आपने ऐसे बनाया है डायरेक्ट, तो वो ढोकला होता है, बट आप जब उसको कढ़ाई में फ्राई कर लेते हैं तो वो हो जाता फिर टमटम, राइट। तो सिमिलरली इडली को भी मसाला में टोस्ट कर लेते हैं तो वो हो जाती है मसाला इडली, पर मैं बनाने वाली हूँ वो जो रवा को ही सीधे मसाला में टोस्ट करते हैं ना, उसका इडली। क्विक भी है और मुझे तो खाना नहीं है, बच्चों लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट आइटम, लाइट लंच, लाइट डिनर और टिफिन बॉक्स के लिए भी अच्छी रेसिपी है ये। और आपने देखा डब्बे बिल्कुल ही खाली थे मेरे, मैंने दोनों डब्बों को रीफिल कर लिया है, और अभी शुरुआत करेंगे मसाला इडली बनाने के लिए। कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, डालेंगे थोड़ा सा राई, जीरा, हींग, थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल, और ये चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। आपको इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना होता है, तब तक जब तक कि क्रंची हो जाए, वो टोस्टेड स्मेल आए। कुछ कटा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्ची, कटा हुआ प्याज और कटे हुए करी पत्ता मैंने रख लिए हैं, इन्हें एक एक करके डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर और फिर इनको भून लीजिए। बहुत नहीं भूनना है, प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होए, पिंकिश हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, बस तब तक इसे भूनिए। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, विच इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वुड लाइक येलो कलर इन इट तो हल्दी डालिएगा कलर के लिए, अदरवाइज व्हाइट भी रहने देंगे तो चलेगा।
ये डाला है मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी इसके अंदर, जो थोड़ा सा मोटा सूजी होता है वो बेहतर रिजल्ट देता है, बाकी आप इस्तेमाल दोनों ही कर सकते हो। और थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लेना है, बिल्कुल कलर वलर नहीं लाना, बस थोड़ा सा भून लेना है। ये कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया और मैं इसे भूनती जा रही हूँ। 2-1 मिनट भूनिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। कढ़ाई बहुत गर्म है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्टर ज़रूर करते रहिएगा, अदरवाइज ये कलर पकड़ सकती है। जब तक ये मिश्रण ठंडा हो रहा है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट फ्लेक्स ले लिया और इसके अंदर मैं दही मिलाकर रख रही हूँ। ये फ्रेश कोकोनट के सब्स्टिट्यूट का काम करता है, इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी और फिर रख देंगे साइड में रेस्ट होने के लिए। कुछ 20-25 मिनट्स में ये अच्छा फूल जाएगा जो कोकोनट है ना इसके अंदर, और बिल्कुल ही फ्रेश कोकोनट जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और ये जो है ना सीमोलिनाज जो रवा है, सूजी है, ये भी ठंडा हो गया है, कढ़ाई भी ठंडा हो गया है, तो इसके अंदर डालेंगे दही, जितना सूजी है उसका आधा दही और स्वाद के हिसाब से नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। जितना सूजी है उसके आधा या उसका 3/4 तक आप दही को बढ़ा सकते हो, बट हाफ तो ज़रूर लीजिएगा मिनिमम। और इसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल ही गाढ़ा सा मिक्सचर है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा स्मूथ सा, जैसा इडली का बैटर होता है ना वैसा बना लेंगे। पर अभी ये जो सिमोलिना है ना, ये जाएगा रेस्टिंग के लिए और रेस्ट के दौरान ये बहुत सारा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, तो बाद में भी हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। फिलहाल आप इस तरह का बैटर इसको बना दीजिए और ढक्कन लगा के रख दीजिए, कम से कम 20-30 मिनट रख पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा। और इसे अराउंड 20 मिनट्स मैंने रेस्टिंग टाइम दिया, उसके बाद आप देखिए मिश्रण गाढ़ा हो गया है ना, क्योंकि जो रवा है वो फूल गया है, उसने बहुत सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है। वापस थोड़ा सा पानी डालकर मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए जिससे इडली बनती है। और ये हो चुका है बिल्कुल वैसा ही तैयार। इस स्टेज पर बिल्कुल लास्ट स्टेप डालेंगे इसमें इनो द फ्रूट सॉल्ट, मैं ब्लू वाला वेरिएंट इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, मतलब पूरा ही 1 सैशे या 1 टीस्पून अगर आप बॉटल से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए ज़रा सा पानी एंड देन इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब सारे काम आपको फटाफट करने हैं, इनो डालने के बाद मिक्सिंग भी फटाफट करनी है एंड देन इसको स्टीम पे भी रखना है फटाफट से, अदरवाइज़ जो फ्रूट सॉल्ट है ना वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। मैंने मेरा स्टीमर पहले ही लगा दिया था तैयार होने के लिए, इसके अंदर का पानी उबल चुका है। इडली की प्लेट्स भी मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था, इनको मैं इस तरह से करके फिल कर रही हूँ। आप बाहर फिल करके भी अंदर रख सकते हो, बट मेरे इसमें 3 हैंडल है ना, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है तो स्पिलज हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह से प्रिकॉशन के तौर पर करती हूँ। अब इसको अराउंड 10 मिनट्स, 1 आधे मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट अराउंड 10 मिनट्स आप ये इडलियाँ पकने दीजिए। मीनवाइल मैं चटनी को तड़का लगा लूँगी। चटनी मैंने पीस लिया था हाँ, और ये चटनी की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, इसलिए आज के व्लॉग में शेयर नहीं किया। तो यहाँ मेरा चटनी हो चुका है बिल्कुल ही रेडी एंड इन नो टाइम इडली भी तैयार होने वाली है। और लगभग 10 मिनट के बाद 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 10-1 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो इडली मेरी सारी ही पक गई है। टूथपिक टेस्ट में देखिए टूथपिक क्लियर आ रहा है, बस मैं गैस बंद कर दूँगी और ये जो इडलियाँ हैं ये स्टीमर से निकाल लेंगे। इडली को आप कम स्टीम करेंगे तो कच्चा रह जाएगा और ज़्यादा स्टीम करेंगे तो रबरी हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए बिल्कुल ही थोड़ा सा चेक करते रहिए। इडली तैयार हो चुकी है, ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, ज़रा ठंडी हो जाएगी, तो इसे डीमोल्ड कर लिया है मैंने। एंड लुक एट देम, कितने सुंदर बने हैं, बहुत अच्छे फ्लफी स्पॉन्जी मेरा इडली तैयार हुआ है। फिलहाल मैं सारे के सारे इडली पहले निकाल लूँ, फिर मैं बाद में आपको एक इडली ना तोड़ के भी दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी ये बनी है अंदर से। हाँ, मैंने ये इडली सिर्फ प्याज का बनाया, आप इसकी जगह मर्ज़ी की जो भी आपको पसंद आती हो वो वेजिटेबल्स डाल सकते हो, बट मैं मसाला इडली इसी तरह बनाती हूँ, सिर्फ मसाले से, नो वेजिटेबल। वेजिटेबल इडली की भी मैंने शायद रेसिपी आपके साथ शेयर की है, नहीं की है तो शेयर कर दूँगी। एंड लुक एट देम, कितने फ्लफी एंड सॉफ्ट मेरा इडली बनाया है, गिव इट अ ट्राई। ये भी झटपट रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी।